हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग अपने चैटबॉट का इम्प्रूवमेंट करेंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने एक चैटबॉट बनाया था जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियोस बनाई थी। और इस चैटबॉट का जो पार्ट 3 था उसमें हम लोगों ने ये बनाया था कि कैसे हम अपने चैटबॉट को स्पीक कराएंगे। दैट मीन्स हमारा चैटबॉट होगा वो ऑडियो के फॉर्म में कैसे आउटपुट दे पाएगा। और हम लोग इस पार्ट 3 के आगे का पार्ट हम लोग पार्ट 4 इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र भी ऑडियो के फॉर्म में दैट मीन्स वॉइस इनपुट दे पाएगा, जिसमें हम लोग क्या कर पाएंगे चैटबॉट को हम लोग वॉइस के फॉर्म में इनपुट दे पाएंगे, हम लोग ऑडियो के फॉर्म में इनपुट दे पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर परफेक्टली समझाता हूँ कि एक्चुअली हम लोग को इस वीडियो में करना क्या है। हम लोगों ने देखिए, मैंने ये चैटबॉट बनाया था, इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट को सिंपली रन किया है। और हम लोग यहाँ पर एक्चुअली अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो आस्क फ्रॉम बॉट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसका तो आंसर देगा। सबसे पहली चीज़ हमें इसका आंसर देगा आई एम डूइंग ग्रेट दिस डेज। और ये एक्चुअली इसने मुझे ऑडियो के फॉर्म में इनपुट दिया, तो मेरे स्पीकर पे आवाज़ भी आई आई एम डूइंग ग्रेट दिस डेज। तो अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो आप इन 3 वीडियोस को देखिए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑडियो के फॉर्मेट में भी आउटपुट दें, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो हमारा बॉट सुन ले और उसके हिसाब से मुझे क्या दे, वो आउटपुट दे, यहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में भी आउटपुट दे और यहाँ पे राइट करके भी आउटपुट दे। तो हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग बनाते हैं कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम को या अपने प्रोग्राम को कैसे हम लोग वॉइस के फॉर्म में इनपुट देंगे। दैट मीन्स स्पीच को हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम लोग लाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़, तो पाइथन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर चैटबॉट की ये वाला जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। और इस वीडियो को देखने से पहले मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था पाइथन स्पीच रिकॉग्निशन, तो मैंने इसमें बताया हुआ है एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप स्पीच रिकॉग्निशन कर सकते हो। तो ये इंडिविजुअल वाला प्रोग्राम सबसे पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा जिसमें हम लोग अपने चैटबॉट का इंप्रूवमेंट बना रहे हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है जिसमें हम लोगों ने अभी तक का काम किया है, दैट मीन्स पार्ट 3 तक का काम किया है हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 4 में सबसे पहले मैं एक मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा स्पीच रिकॉग्निशन का। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट वाली देखी होगी तो इसमें मैंने सारी चीज़ बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे गूगल पे जाना और टाइप करना है पाइथन स्पीच रिकॉग्निशन, या आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो स्पीच रिकॉग्निशन पाइथन रिकॉग्निशन, और यहाँ पे आपको पाइथन लिखना ज़रूरी है तभी आपके सूटेबल रिजल्ट्स आएंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ये pi.org फाइल वाली ORG वेबसाइट हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़िए, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए, ये बताया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो सिंपली आप ये वाला कमांड अपने कंसोल पे चला दीजिएगा। तो आप यहाँ पे आइएगा और अपने टर्मिनल को ओपन करिएगा और सिंपली यहाँ पे अपना ये वाला कमांड चला दीजिएगा। कौन सा कमांड, ये वाला कमांड चला दीजिएगा, एंटर कर दिएगा। और अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पाई ऑडियो वाला भी मॉड्यूल चाहिए, तो आपको एक और कमांड चलाना पड़ेगा, इसी तरह पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली यहीं से देखी थी, डॉक्यूमेंटेशन से देखी है। तो मेरे में ऑलरेडी दोनों चीज़ें इंस्टॉल है, आपको एक ये वाला मॉड्यूल चाहिए स्पीच रिकॉग्निशन का और आपको एक पाई ऑडियो का मॉड्यूल चाहिए अगर आप यूज़ कर रहे हो माइक्रोफोन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप नीचे आओगे रिक्वायरमेंट्स में, ये देखिए लिखा हुआ है कि पाई ऑडियो फॉर माइक्रोफोन यूजर्स, पाई ऑडियो इज रिक्वायर्ड इफ एंड ओनली इफ यू वॉन्ट टू यूज़ माइक्रोफोन। तो अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल, तो आप मेक श्योर कि पाई ऑडियो मॉड्यूल भी आप इंस्टॉल कर लो। कैसे इंस्टॉल करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो इन टर्मिनल, ठीक है। तो ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल कर लें। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोडिंग कैसे करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ था, ये आस्क फ्रॉम बॉट, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक और फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं दूंगा, तो सबसे पहले मैं कमेंट लगा के लिख देता हूँ। ये फंक्शन का नाम होगा टेक क्वेरी, और ये करेगा क्या, इट टेक्स ऑडियो एज अ इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट्स इट टू स्ट्रिंग, ठीक है, कन्वर्ट्स इट इनटू स्ट्रिंग।
तो मेन काम इसी फंक्शन का होगा। ये क्या करेगा, ये एक ऑडियो लेगा यूज़र से और ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपके ऑडियो को स्ट्रिंग के फॉर्म में, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी स्ट्रिंग को हम लोग दे देंगे अपने बॉट को। दैट मीन्स आस्क फ्रॉम बॉट वाला फंक्शन में क्या कर लूँगा, सिंपली कॉल कर लूँगा। ठीक है, ये सारा काम आपका कर देगा। तो बनाते हैं, तो सिंपली फंक्शन बनाने के लिए आप लिखिए डेफ, और डेफ में लिख दीजिए अपने फंक्शन का नाम। तो हम लिख देंगे टेक क्वेरी इज द नेम ऑफ द फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे यूज़ करना है स्पीच रिकग्निशन, तो हम आएंगे ऊपर और इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इम्पोर्ट करने के लिए मैं सिंपली लिखूँगा इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा स्पीच रिकग्निशन एज एस। ठीक है, तो हम अब इस स्पीक रिकग्निशन मॉड्यूल के अंदर की सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ दिस एस यूज़ कर पाएंगे, इस एस की हेल्प से यूज़ कर पाएंगे। तो आते हैं अपने फंक्शन में बैक, फिर से फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग वापस आ गए टेक क्वेरी वाले फंक्शन के अंदर, और हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने रिकग्नाइजर का। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिकग्नाइजर का। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे SR, और हम लिखेंगे S, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू यूज द क्लास दैट आर डिफाइंड विद इन द स्पीच रिकग्निशन मॉड्यूल। तो हम लिखेंगे S डॉट और यहाँ पे लिखेंगे रिकग्नाइजर। ठीक है, तो ये रिकग्नाइजर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बेसिकली यही रिकग्नाइजर क्या करेगा, हमारे ऑडियो को रिकग्नाइज करेगा। दैट मीन्स ये लेगा इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा हमारे ऑडियो को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोग अब SR पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ SR डॉट पॉज थ्रेशोल्ड, और मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो इस रिकग्नाइजर के अंदर जाके देख सकते हो। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पॉज थ्रेशोल्ड यूज़ कर सकते हो। थ्रेशोल्ड बाय डिफॉल्ट 0.1 होता है। देखिए, सेकेंड्स ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑडियो बिफोर फ्रेज इज कंसिडर कम्प्लीट। तो इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और भी ये सारी चीज़ें देख करके डॉक्यूमेंटेशन से आप इन सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स बनाई गई हैं वो परफेक्ट बनाई गई हैं, तो आपको इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई मैसेज दे देते हैं ऐसे इनपुट। मैं लिख देता हूँ योर बॉट इज लिसनिंग ट्राई टू स्पीक। ठीक है, ट्राई टू स्पीक, ये ऐसे ही मैंने मैसेज दे दिया, जिससे कि आपको ये मैसेज दिख जाए कंसोल पे। बट ये फिलहाल GUI पे नहीं दिखेगा, और मुझे GUI पे दिखाना भी नहीं है। फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा माइक्रोफोन का। ठीक है, तो क्योंकि माइक्रोफोन का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विद कीवर्ड। तो मैं लिखूँगा विद, और मैं यूज़ करूँगा एस स्पीच के अंदर का माइक्रोफोन वाली क्लास। सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया, और इसको डाल दूंगा एस एम एक वेरिएबल में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस माइक्रोफोन की हेल्प से हम ऑडियो को लेंगे। तो करेंगे क्या, हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे ऐसे ही ऑडियो, जिसमें ऑडियो रखेंगे, और हम यहाँ पे SR के अंदर का एक फंक्शन यूज़ करेंगे लिसन, और इसको हम पास कर देंगे सोर्स, दैट मीन्स अपना माइक्रोफोन। तो ये लिसन फंक्शन क्या करेगा, इस माइक्रोफोन की हेल्प से ही आपके ऑडियो को लिसन करके और इस ऑडियो में रख देगा। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं कोई फंक्शन जो ऑडियो को कन्वर्ट कर दे आपके स्ट्रिंग में। तो एक स्ट्रिंग या वेरिएबल ले लेंगे क्वेरी का सिंपली, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SR के अंदर एक फंक्शन है recognize_google। तो recognize_google, इसी तरह आप बिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे गूगल यूज़ करूँगा, और इसे अपना ऑडियो देना है। तो हम यहाँ पे दे देंगे अपना ऑडियो, और कॉमा लगा के यहाँ पे हम दे देंगे लैंग्वेज, और लैंग्वेज में दे देंगे हम लोग सिंपली इंग्लिश इंडिया। ठीक है, इंग्लिश इंडिया, ठीक है, तो ENG होगा। बस आपका काम हो गया। अब इस वाली क्वेरी में आपकी आ गई है क्वेरी, इस वाली क्वेरी में क्या आ गई है आपकी क्वेरी। अब हम लोग इस क्वेरी को प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे यहाँ पे इस क्वेरी को पास कर देना। दैट मीन्स इस क्वेरी के अंदर क्वेश्चन है, और हम लोग को इस क्वेश्चन को पास कर दें अपने बॉट को। तो एक बार मैं आपकी क्वेरी को प्रिंट कर देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या रिकग्नाइज कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं आस्क फ्रॉम बॉट। ठीक है, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने फील्ड टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट फील्ड को पहले क्लियर करते हैं। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड,
और उसके बाद हम लोग क्लियर करने के लिए कॉल करेंगे डिलीट, और डिलीट क्लियर करेंगे ज़ीरो से लेके एंड तक सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट फील्ड पे कुछ डेटा सेट करेंगे, तो लिखेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में हम लोग ज़ीरो पे अपनी क्वेरी इंसर्ट कर देंगे। इससे होगा क्या भाई, इससे होगा क्या कि आपके उस टेक्स्ट फील्ड में भी डेटा आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में भी डेटा आ जाएगा। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग आस्क फ्रॉम बॉट कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग आस्क फ्रॉम बॉट कॉल कर लेंगे। परफेक्ट, ये क्या करेगा, ये आस्क फ्रॉम बॉट ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये क्या करेगा, सिंपली जो टेक्स्ट फील्ड में डेटा होगा वो निकालेगा और रेस्पॉन्स लेगा बॉट से, उसके बाद ये बाकी का काम कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन ये वाला फंक्शन आप कॉल कर कब करोगे, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम मेन लूप दैट मीन्स स्क्रीन को रोकने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, अपना टेक क्वेरी वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ, टेक क्वेरी वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ। परफेक्ट, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग जब टेक क्वेरी फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये सारा काम हम लोग सिंगल GUI वाले थ्रेड पे कर रहे हैं। दैट मीन्स जब तक ये टेक क्वेरी वाला फंक्शन चलेगा तब तक आपका एक्चुअली जो मेन थ्रेड होगा, दैट मीन्स GUI थ्रेड होगा, वो क्या करेगा, इस टेक क्वेरी वाले फंक्शन को चलाने में बिजी हो जाएगा, तो जो आपका GUI होगा वो नहीं विजिबल होगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को इस टेक क्वेरी वाले फंक्शन को किसी सेकेंड थ्रेड पे कॉल करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, आपके GUI पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे कॉल करेंगे हम लोग ये, हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डायरेक्ट नहीं कॉल करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक थ्रेड। तो हम लोग थ्रेड बनाने के लिए मॉड्यूल यूज़ करेंगे थ्रेडिंग, तो हम लोग ऊपर आएंगे और इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है। और थ्रेडिंग का हम लोग थ्रेड क्लास यूज़ करेंगे, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे टी, एक वेरिएबल ले लेंगे और हम लिखेंगे थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और हम इसमें दे देंगे दो चीज़, हम दे देंगे टारगेट, टारगेट में अपने फंक्शन का नाम दे देंगे टेक क्वेरी, ठीक है। तो फंक्शन कॉल नहीं करना है, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी, बस फंक्शन का रेफरेंस देना है। और हम यहाँ पे बस सिंपली हम लोग इतना करेंगे और उसके बाद हम टी डॉट स्टार्ट कर देंगे, तो आपका आपका जो थ्रेड होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और थ्रेड स्टार्ट होने का मतलब उसके पास टारगेट फंक्शन है, ये टेक क्वेरी फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, कॉल करेगा। दैट मीन्स अगर वो कॉल करेगा तो एक बार इनपुट ले लेगा, तो अभी हम लोग बताएंगे कि बार बार आप कैसे कॉल करोगे, बट फिलहाल एक बार तो हमारा काम हो। तो हम लोग अब राइट क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, जैसे रन करेंगे तो हमारा जो देखिए थ्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा और हमारा GUI भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये डेटा लोड कर रहा है और हमारी GUI भी स्टार्ट हो गई, देखिए हमारी GUI भी स्टार्ट हो गई और GUI स्टार्ट हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे योर बॉट इज़ लिसनिंग ट्राई टू स्पीक, दैट मीन्स एक थ्रेड जो आपका लिसन कर रहा है, दैट मीन्स बॉट आपका लिसन कर रहा है थ्रेड वन जो आपने बनाया था, और ये है हमारा GUI थ्रेड, ठीक है। तो हम लोग कुछ बोलते हैं, भाई इतना सारा बोल दिया तो पॉज लेते हैं अब, ठीक है। तो एक्चुअली इसने लिसन किया ये स्टार्ट ओवर पता नहीं क्या ये सब लिसन किया, क्योंकि मैं आपको बार बार कमांड देता जा रहा था रेगुलर, तो अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे तो हो जाएगा, बट ये एक्चुअली एक ही बार कॉल हो रहा है, लिसनिंग एक ही बार कॉल हो रहा है, दैट मीन्स आपने एक बार बोल दिया तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लूप में डाल देंगे जिससे कि बार बार कॉल करता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को करना क्या है, इस चीज़ को बार बार कॉल करना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई इस पूरे चीज़ को लूप में डाल दें, या हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक फंक्शन ही बना लेते हैं, डेफ रिपीट, रिपीट और रिपीट लिसन, रिपीट लिसन। और हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम लगा देंगे वाइल और लगा देंगे ट्रू, लगा देंगे ट्रू। कब तक कॉल होगा ये कोई कंफर्म नहीं है, और ये कॉल करता रहेगा टेक क्वेरी वाले फंक्शन को, ठीक है। और हम लोग टारगेट को बदल के यहाँ पे लिख देंगे रिपीट वाला फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिपीट वाला दे देंगे, तो अब आपका जो थ्रेड है वो कॉल करेगा रिपीट वाले फंक्शन को, और ये रिपीट वाला फंक्शन क्या करता जाएगा, ये टेक क्वेरी को बार बार कॉल करता जाएगा, बार बार कॉल करता जाएगा। जब आप अपना प्रोग्राम बंद कर दोगे तभी ये जाके टेक क्वेरी वाला फंक्शन बंद होगा। तो राइट क्लिक करते हैं और फिर से रन करते हैं, और इस बार हम लोग प्रॉपर इनपुट देते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार यहाँ पे कुछ एरर आई, तो हम लोग इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऊपर आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बनाया था ये वाला फंक्शन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर रख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्राई
और ट्राई के अंदर हम सारी चीज़ रख देंगे और हम लोग इस जो भी एरर आएगी उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और लिखेंगे एक्सेप्शन एज ई, और हम उसको सिंपली प्रिंट कर देंगे ई को, ठीक है, या फिर और कुछ मैसेज दे देंगे, नॉट रिकग्नाइज, नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हम लोग अपने प्रोग्राम को सिंपली राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, और जैसे रन करेंगे तो हमारे दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे, एक तो मेन थ्रेड जो जीवाई को हैंडल कर रहा होगा और जो दूसरा थ्रेड है वो ऑडियो वाला थ्रेड जो ऑडियो को इनपुट ले रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा थ्रेड स्टार्ट हो चुका है और ये जीवाई थ्रेड है जिसने यहाँ पे जीवाई दिखा दिया मुझे, और एक थ्रेड देखिए यहाँ पे लिसन भी कर रहा है और बॉट इज लिसनिंग, ये दूसरा थ्रेड है। तो मैं कुछ बोलता हूँ या फिर इतना सारा बोल रहा हूँ अपने आप ही वो रिकग्नाइज कर लेगा अभी। हेलो, हाय हाय, व्हाट इज योर नेम? हाउ आर यू? ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट चल रहा है, बट हम लोग जो बोल रहे थे वो एज अ इनपुट ले रहा है, बट हमें ऑडियो नहीं सुनाई पड़ रही जो वो मुझे बोल रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने माइक्रोफोन यूज़ किया हुआ है, मैं यहाँ पे अपने स्पीकर वाले जैक पे मैंने माइक्रोफोन लगा दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा। एक बार मैं फिर से टेस्ट करने की कोशिश करूँगा, और टेस्ट करने में मैं माइक्रोफोन निकाल के टेस्ट करता हूँ। हाय, ओके, व्हाट इज योर नेम? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे एज अ इनपुट ऑडियो को एज अ इनपुट ले के भी हम लोगों ने प्रोग्राम को कंप्लीट बना दिया है तो परफेक्टली, और हमारा चैटबॉट वर्क कर रहा है। हम इसको एज अ ऑडियो इनपुट दे सकते हैं, एज अ टेक्स्ट फील्ड इनपुट दे सकते हैं, ये मुझे दिखा देगा लिस्ट में, और ये मुझे ऑडियो के फॉरवर्ड में वापस ऑडियो बैक भी दे देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल यूज़ किया और स्पीच टू टेक्स्ट मॉड्यूल भी यूज़ किया, जिससे कि हम लोगों ने ये कंप्लीट चैटबॉट बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।